हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महलनोबिस के बारे में, जिनको इंडियन स्टैटिस्टिक्स का पितामह माना जाता है। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। तो इनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। इनका जन्म जून 29, 1893 में कोलकाता में हुआ था और मृत्यु भी इनकी कोलकाता में ही हुई 28 जून 1972 में। इनकी माताजी का नाम निरोध भाषिनी देवी और पिताजी का नाम प्रबोध चंद्र महलनोबिस था। इनकी पत्नी का नाम निर्मल कुमारी। अब क्योंकि ये इंडियन स्टैटिस्टिशियन माने जाते हैं, बहुत बड़े हमारे स्टैटिस्टिशियंस रहे हैं, और इन्होंने एक महलनोबिस डिस्टेंस का एक निर्माण किया था, और जो हमारा औद्योगिकरण हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है ड्यूरिंग द सेकंड फाइव ईयर प्लान 1956-61 में, जो हमारा दूसरा पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, औद्योगिकरण हुआ, उसमें इनका विशेष योगदान रहा है। So he devised the Mahalanobis distance and was instrumental in formulating India's strategy for industrialization in the second five-year plan. इनकी हम एजुकेशन की अगर बात करें तो ये एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली में पैदा हुए थे। इनके पेरेंट्स भी सब पढ़े लिखे थे और इन्होंने जो अपनी शुरुआत की शिक्षा जो है वो कोलकाता में ही ली। और इन्होंने ये लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, स्टडीड एट द ब्रह्मो बॉयज स्कूल which was founded by his grandfather Guru Charan Mahalanobis in 1904. इस स्कूल में पढ़े हैं, ब्रह्मो बॉयज स्कूल में, जो इनके दादाजी ने ही इस स्कूल को बनाया था, उसमें ही इन्होंने शुरुआती शिक्षा ग्रहण करी। फिर इन्होंने ग्रेजुएशन करा प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकटा से ही। पहले हम कैलकटा कहते थे, अब कोलकाता हो गया है। तो 1912 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही इन्होंने फिजिक्स में स्नातक किया। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए जहां पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स की इन्होंने पढ़ाई करी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये पढ़ लिख कर जब भारत में वापस आए तो ये इन्होंने एक जॉब स्टार्ट करी प्रेसिडेंसी कॉलेज, जहां से इन्होंने स्नातक किया था उसी कॉलेज में इन्होंने फिजिक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान विषय में पढ़ाने के लिए इन्होंने अप्लाई करा। वहां पर इन्होंने टेम्पररी पोजीशन इनको दी गई, परमानेंट नहीं हुए थे तब तक, टेम्पररी पोजीशन मिली इनको और इन्होंने अपने शिक्षण कार्य इन्होंने की शुरुआत की। और उसके बाद वहां पर ही वे प्रोफेसर बन गए 1922 में। हाउएवर हिज इंटरेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स हैड इवॉल्व्ड इनटू अ सीरियस एकेडमिक परसुइट एंड ही अप्लाइड स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू प्रॉब्लम्स इन एंथ्रोपोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड बायोलॉजी। क्योंकि ये स्टैटिस्टिशियंस रहे, स्टैटिक्स में इनका बहुत ज्यादा रुचि थी, तो इसलिए इन्होंने उसमें ही इन्होंने अपना करियर चुना। और जो मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी जो विषय है, मेट्रोलॉजी विषय है या बायोलॉजी विषय है, उनमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करते थे, जिनसे कि इन विषयों की जो समस्याएं होती हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स को ही कहीं भी यूज वो करते थे। महलनोबिस फॉर्मड अ ग्रुप डेट वाज इंटरेस्टेड इन स्टैटिस्टिक्स डेट लेटर एक्सपेंडेड एंड इवेंचुअली द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड इन 1932। ये इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है कि महलनोबिस ने ग्रुप अपना फॉर्म करा, कुछ लोग उसमें रहे और एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना इन्होंने करी 1932 में। ये आज भी इंस्टीट्यूट चल रहा है, बहुत बड़े लेवल का स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ये माना जाता है। और अगले ही वर्ष उन्होंने सांख्य, जो इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसका भी इन्होंने स्थापना की, लॉन्च किया उसको। ये भी बहुत अच्छा जर्नल माना जाता है, इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिक्स से संबंधित रिसर्चर होते हैं, शोधकर्ता होते हैं स्टैटिस्टिक्स, वो इस जर्नल में अपने रिसर्च को पब्लिश कराना का एक उनका सपना होता है। बहुत बड़े लेवल का जर्नल है, बहुत अच्छे आर्टिकल इसमें पब्लिश होते हैं। महलनोबिस डिवाइज्ड अ मेजर ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू डेटा सेट्स डेट इज नोन
नाउ नोन एज द महलनोबिस डिस्टेंस। एक महलनोबिस डिस्टेंस उन्होंने अपनी रिसर्च करी थी जिसमें दो डेटा सेट्स का कंपैरिजन करा जाता था। जो स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं वो इसको समझ पाएंगे। द महलनोबिस डिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट पी एंड अ डिस्ट्रीब्यूशन डी इंट्रोड्यूस्ड बाई पी सी महलनोबिस इन 1936। 1936 में इन्होंने ये अपने फॉर्मूले या कैलकुलेशन बनाई थी। इसके बाद इन्होंने, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में इनकी रुचि थी, तो उसको स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को, मेथड्स को वो यूज़ करते थे कि जो सामाजिक परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करा जा सके। और इसलिए देखिए नीचे लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूस्ड इनोवेटिव टेक्निक्स फॉर कंडक्टिंग लार्ज स्केल सैम्पल सर्वेज। जो सैम्पल सर्वेज करे जाते हैं कि हम, क्योंकि सर्वे करते हैं किसी रिसर्च जब हम शुरू करते हैं तो हमें डेटा इकट्ठा करना होता है, जानकारी लेनी होती है, तो हम सर्वे करने जब निकलते हैं तो सैंपल सर्वे हम करते हैं। सैंपल सर्वे का मतलब होता है कि हम अगर कहीं देश में 100 लोग हैं तो हम 100 के 100 को तो पूरा नहीं कर सकते। हमारी जो जनसंख्या है देश की, 100 करोड़ से ज़्यादा है, 125 करोड़ हो रही है, तो सबकी तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, सबकी से राय मशवरा नहीं कर सकते। तो हम कुछ लोगों को शामिल करते हैं, जब कुछ लोगों को हम शामिल करते हैं तो उसे हम सैंपल कहते हैं। पूरे यूनिवर्स को तो हम अपने रिसर्च में से जानकारी नहीं जुटा सकते, तो हम सैंपल के द्वारा जानकारी इकट्ठे करते हैं। तो ये लार्ज स्केल सैंपल सर्वेज ये करते थे, एंड कैलकुलेटेड एकरेजेस एंड क्रॉप यील्ड्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रैंडम सैंपलिंग। और रैंडम सैंपलिंग की बहुत सारी विधि हैं, तो रैंडम सैंपलिंग भी होता है एक, उसमें ये एकर्स के बारे में, क्रॉप यील्ड्स जो होती है कि कितनी एकड़ में कितनी फसल उग सकती है, उसकी सबकी कैलकुलेशन ये रैंडम सैंपलिंग की मदद से, मेथड से करते थे। ही डिवाइज्ड अ स्टैटिस्टिकल मेथड कॉल्ड फ्रैक्टाइल ग्राफिकल एनालिसिस। एक फ्रैक्टाइल ग्राफिकल एनालिसिस का इन्होंने इजाद किया एक, विच कुड बी यूज टू कंपेयर द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। जो सामाजिक आर्थिक कंडीशंस हैं ग्रुप्स की, वो इन्होंने इस ग्राफिकल एनालिसिस के माध्यम से पता लगाया। ही ऑल्सो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स टू इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर फ्लड कंट्रोल। जहाँ जहाँ बाढ़ आती थी तो बाढ़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारी चल रही थी या आर्थिक योजनाएं हमारी चल रही थी, उसमें इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को यूज करा। और इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया कि कुछ एरियाज में हमारे देश में, बहुत से एरिया में बाढ़ आ जाती थी तो उसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, महलनोबिस एस्टेब्लिश द नेशनल सैंपल सर्वे इन 1950 एंड ऑल्सो सेट अप द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इन इंडिया। ये नेशनल सैंपल सर्वे ये अभी भी चल रहा है। जो भी हम पूरे देश में जानकारी इकट्ठी करते हैं, आर्थिक रूप में जो जानकारी मिलती है, इकोनॉमिक डाटा हम इकट्ठा करते हैं, बहुत सारा फाइनेंशियल डाटा, इकोनॉमिक डाटा हम इकट्ठा करते हैं, वो ये सब नेशनल सैंपल सर्वे ही इकट्ठा करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी भी स्थापना महलनोबिस जी ने करी थी 1950 में, और इससे पूरा देश के बारे में हमें जानकारी, पूरा डाटा इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में सरकार की नीतियां बनती हैं वो सब इसके बेस पर ही बनाई जाती हैं। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 1955 टू 1967। जो प्लानिंग कमीशन है हमारा, उसमें भी ये मेंबर रहे हैं 1955 से 1967 तक। और दूसरा जो पंचवर्षीय दूसरी योजना थी, पंचवर्षीय योजना हमारी, उसमें भी जो औद्योगिकरण हुआ, हैवी इंडस्ट्रीज लगाई गई, वो सब महलनोबिस के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की मदद से ही लगाई गई। और इसको जो उन्होंने कैलकुलेशंस करी हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाए हैं, उसको महलनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हमारी, भारी उद्योग लगे हैं, उनको लगाने में महलनोबिस का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी सलाह मशवरा से ही औद्योगिकरण हमारे देश में हुआ, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इन्होंने जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो शुरू करा था, उसमें अब आजकल कोर्सेज भी चलते हैं, स्नातक स्तर के कोर्सेज, परा स्नातक स्तर के कोर्सेज स्टैटिस्टिक्स में चलाए जाते हैं, जो 1960 से चल रहे हैं। फिर उसके बाद पीएचडी अगर वहां से करनी है स्टैटिस्टिक्स में, या डॉक्टर ऑफ साइंस करनी है स्टैटिस्टिक्स में, तो वहां से छात्र छात्राएं वहां से भी ये पीएचडी कर सकती हैं।
महलनोविच ने क्योंकि बहुत अच्छे काम करे तो इस अच्छे कामों के बदले उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, इनाम भी उनको बहुत मिले हैं। तो सेवरल नेशनल इंटरनेशनल पोर्टफोलियोज उनके नाम हैं। ही सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सब कमीशन ऑन सैम्पलिंग फ्रॉम 1947 टू 1951, 47 से 51 के बीच में इन्होंने चेयरमैन रहे यूनाइटेड नेशन सब कमीशन ऑन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग सेक्रेटरी जो कमीशन बना था उसमें ये मेंबर रहे, चेयरमैन रहे उसके। और उसके बाद ही वॉज अपॉइंटेड द ऑनररी स्टैटिस्टिकल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1949। गवर्नमेंट के ये सलाहकार रहे, स्टैटिस्टिकल एडवाइजर रहे 1949 में। और इनके अच्छे काम को देखते हुए भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से नवाजा, जो बहुत बड़ा अवार्ड भारत के लिए माना जाता है, भारत का माना जाता है। तो भारतीय सरकार ने इनको 1968 में पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया। आप देखें तो यहाँ पे इनकी पत्नी है, फोटो में आप देख सकते हैं इनकी पत्नी बैठी हुई है, महलनोबिस सब बैठे हैं, और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी बैठे हुए हैं। तीनों में एक अच्छी केमिस्ट्री थी, तीनों में एक बहुत बढ़िया रिलेशन था, एक बहुत बड़ा अच्छा रिश्ता था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे महलनोबिस के कामों में, जो भी स्टेटिस्टिकल वर्क वो करते थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पसंद था। वो उसको बहुत ध्यान से उसका एनालिसिस करते थे कि ये महलनोबिस जी क्या क्या काम कर रहे हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत ही उसमें रुचि दिखाते थे महलनोबिस के कामों में। इवन हिज कैरियर इन स्टैटिस्टिक्स वॉज वेरी लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोएट। और जो महलनोबिस का करियर रहा स्टैटिस्ट में, रविन्द्रनाथ टैगोर से भी बहुत कुछ सीखे हैं। उनकी जो सीखने की प्रवृत्ति थी उससे ही वो आज भारत के पितामह माने जाते हैं, स्टेटिस्ट के पितामह माने जाते हैं। बहुत सारे ऑनर्स अवार्ड्स इनको मिले हैं, बहुत जगह वो मेंबर्स रहे, कहीं चेयरमैन रहे, बहुत सारे उन्हें प्राइजेज मिले हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ही वॉज द फेलो ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस में फेलो रहे, वहाँ पे मेंबर रहे इसके। फेलो ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन, वेल्डन मेमोरियल प्राइज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड से भी इनको प्राइज मिला। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो रहे, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस 1950 की, जो इंडियन साइंस कांग्रेस में हर साल प्रतिवर्ष कॉन्फ्रेंसेज आयोजित हो जाती हैं, तो प्रतिवर्ष उसमें प्रेसिडेंट बनते हैं। तो 1950 में ये उस इंडियन साइंस कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। फेलो ऑफ द इकोनोमेट्रिक सोसाइटी यूनाइटेड स्टेट्स रहे, फेलो ऑफ द पाकिस्तान स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन, ऑनरेरी फेलो ऑफ द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम, सर देवी प्रसाद सर्वाधिकारी गोल्ड मेडल इनको मिला, फॉरेन मेंबर ऑफ द एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ द यूएसएसआर, रशिया की ये एजेंसी थी वहाँ पे भी ये मेंबर रहे, ऑनरेरी फेलो ऑफ द किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, फेलो ऑफ द अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन, दुर्गा प्रसाद खेतान गोल्ड मेडल इनको मिला, देसीकोटम बाई विश्व भारती यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको प्रदान करा गया, पद्म विभूषण भारत सरकार ने दिया, श्रीनिवास रामानुजन गोल्ड मेडल भी इनको प्राप्त हुआ। तो देखें आपके बहुत सारे, क्योंकि इनकी स्टैटिस्टिकल फील्ड में बहुत बड़ी उपलब्धि रही तो इनको बहुत सारे प्राइजेस इनामों से इनको नवाजा गया। और इनके अच्छे कामों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2006 में ये निर्णय लिया कि इनके जन्म दिवस जो 29 जून को होता है उस दिन प्रतिवर्ष नेशनल स्टैटिस्टिकल डे मनाया जाए। इनकी काम को देखते हुए, इनको याद करते हुए भारत सरकार ने 2006 में ये निर्णय लिया। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड इन 2006 टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे 29 जून एज द नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। और प्रतिवर्ष 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिकल डे मनाया जाता है हमारे भारतवर्ष में, जिससे कि लोगों को पता चल सके, जागरूकता पैदा हो कि जो सांख्यिकी है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो कितने काम की है, और उससे हम आर्थिक सामाजिक जो योजनाएं हैं, जो नीतियां बनती है सरकार की, वो किस तरह से बनाई जाती हैं, किस तरह से स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है, स्टैटिस्टिक कितनी महत्व है इन सब चीजों में, स्टैटिस्टिक्स को जागरूक करने के लिए, स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानकारी देने के लिए प्रतिवर्ष 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिकल डे भारत सरकार हमारी मनाती है।
Professor Prasanta Chandra Mahalanobis viewed statistics not as a branch of mathematics but as a technology. वो स्टेटिस्टिक्स को एक मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं मानते थे, उसे एक ये तकनीक मानते थे कि जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे आर्थिक सामाजिक जो नीतियाँ बनती हैं उसमें बहुत काम आती है, सर्वे करे जाते हैं, डेटा इकट्ठा किया जाता है, ये सब स्टेटिस्टिक्स की हेल्प से ही हो पाता है. मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी आर द ओनली द मीन्स टू प्रमोट द यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड्स इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी. वो कहते थे कि मैथमेटिक्स है, प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं, ये सब एक जरिया हैं एक तरीके से स्टैटिस्टिकल मेथड्स को प्रमोट करने के लिए. ही शेप्ड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एज अ बेकन ऑफ नॉलेज विद कमिटमेंट फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर. इन्होंने स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो बनाया इन्होंने, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वो एक नॉलेज का एक तरह से खजाना रहा और एक वहां पे उसमें कमिटमेंट था एक कि हमें अपने देश का विकास करना है, सोशल वेलफेयर करना है, लोगों की भलाई करनी है, सामाजिक उत्थान करना है, और ये सब स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की हेल्प से भी हो रहा है. ही इज स्टिल बीइंग रिमेम्बर्ड फॉर द महलनोबिस डिस्टेंस जो इन्होंने बनाया था स्टैटिस्टिकल मेजर एंड फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द लार्ज स्केल सैंपल सर्वे. जो बड़े लेवल पर ये सैंपल सर्वे इन्होंने ईजाद किया, एक उसकी स्थापना की, एक तरह से शुरुआत की कि कैसे सैंपल सर्वे किए जा सकते हैं. He continues to inspire statisticians in India and around the world. आज भी जितने हमारे सांख्यिकी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, रिसर्चर्स हैं, स्टैटिस्टियंस हैं भारत में या बाहर, वो सब इनके महलनोबिस के काम से प्रभावित होते हैं, उनको अपना एक आदर्श मानते हैं और उनके द्वारा बताए मार्ग पर वो चलते हैं. महलनोबिस का की जो मृत्यु हुई वो उनके जन्मदिन से एक दिन पहले, जो 79th उनका बर्थडे था उससे एक दिन पहले हो गई, क्योंकि 29 जून को उनका बर्थडे होता है और एक दिन पहले 1972 में 28 जून को उनकी मृत्यु हो गई. और इस एज पर भी 79 के हो गए थे वो, और इस एज में भी वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, काम कर रहे थे और सारा रिसर्च वर्क वो करते थे. अपनी ड्यूटीज एज अ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड एज द ऑनररी स्टैटिस्टिकल एडवाइजर टू द कैबिनेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑनररी स्टैटिस्टिकल एडवाइजर भी थे. स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो उन्होंने की, जिन्होंने इन्होंने स्थापना की थी, उसमें वो सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी थे मृत्यु के समय पर. तो उस उम्र में भी वो लगातार काम कर रहे थे. ये इनका रेफरेंस है, देख सकते हैं आप. ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है महलनोबिस के बारे में. आप उनके बारे में नेट पे बुक्स में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज में आता है, ये सब्जेक्ट एक बन गया है स्टड्स में, ये पॉइंट आता है सिलेबस में है महलनोबिस के बारे में जानकारी. इसलिए मैंने आपको ये इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करी है. कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं आप. थैंक यू.